डार्क स्पॉट, एक्ने, पिगमेंटेशन, इन सब के ऊपर सिर्फ 7 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि एकदम गांठ पांडले सिर्फ 7 दिन में आपके इन सब परेशानियों पे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो देखना 100% इम्पोर्टेंट है, तो आज का वीडियो एकदम मिस ना करें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे मुझे मेरे YouTube चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पे आए हैं, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दें। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बेल आइकन को एकदम क्लिक करें। मेरा एक और YouTube चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, मैं इंस्टाग्राम पे भी जनरल टॉक्स विद छवि के नाम से हूँ। और मेरा एक और चैनल है जिसमें सिर्फ मैं प्रोडक्ट के रिव्यू करती हूँ, उसका नाम है छवि अश्विनी कुमार। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लें। आज मैं आप सबके लिए सुपर सिंपल वाला एक फेस पैक लेकर के आई हूँ, एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो कि सिर्फ 7 दिन में आपके चेहरे से आपके डार्क स्पॉट, डल नेल्स, पिगमेंटेशन, इन सब के ऊपर बहुत हद तक जो है वो असर करने वाला है। पिगमेंटेशन ऐसी परेशानी है कि वो एकदम से रातों रात मैजिकली नहीं खत्म होता है, लेकिन आप देखोगे कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। एक ऐसा फेस पैक जो अगर आपकी शादी 1 महीने के बाद से होने वाली है, तो अगर आज से ही इसको अगर फुल बॉडी में अगर आप लगाना शुरू कर दोगे, तो आपकी रंगत दुगनी तो होनी ही होनी है। साथ ही साथ आपकी ये जो भी मैं परेशानी बोल रही हूँ, डार्क स्पॉट, एक्ने, स्कार्स और पिगमेंटेशन, इन सब की परेशानी के ऊपर भी ये असर दिखाना शुरू करेगा। रातों रात मैजिक नहीं होगा, लेकिन यकीन माने असर जरूर होगा। बहुत ही बेहतरीन आज का फेस पैक है, तो आज के फेस पैक को एकदम लाइटली ना लें और आज का फेस पैक एकदम यूज करें। आइए जल्दी देखिए इस पैक को बनाते कैसे, इसको लगाते कैसे और लगाने का इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो फर्स्ट आपको इंग्रेडिएंट लेना है वो है वाइल्ड टर्मरिक। मेरे पास हर्ब टॉनिक का है, आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप ले सकते हो। तो वाइल्ड टर्मरिक आपको लेना है, आपको कस्तूरी हल्दी यानी कि 1 स्पून आपको वाइल्ड टर्मरिक लेना है। स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन होता है स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए। उसका जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड की हूँ वो 1 स्पून ली हूँ मैं ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, और इन दोनों को मैं एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी, यानी कि जो अपना वाइल्ड टर्मरिक है उसे और बेसन को, दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। उसका जो थर्ड इन्ग्रीडियंट मैं ले रही हूँ वो है पतंजलि का एलोवेरा, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो तो ले सकते हो। और एलोवेरा मैं ली हूँ 1 स्पून, और ये तीनों इंग्रेडिएंट कमाल के होते हैं, आप यानी कि आपके स्किन को लाइटन करते, ब्राइटन करते, साथ ही साथ डार्क स्पॉट और एक्ने स्कार्स के ऊपर भी काम करते, पिगमेंटेशन को लाइट करते। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है हनी यानी कि शहद, और वो मैं ली हूँ 1/2 स्पून। उसके बाद जो मैं ले रही हूँ वो है रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है या फिर आपको रोज़ वाटर नहीं लेना है, तो आप इसके जगह पे जो कुक्ड राइस वाटर होता है ना, पका हुआ जो चावल का पानी होता है, वो भी आप डाल सकते हो। उन सबको आपको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। तो पैक लग चुका है, 15 to 20 मिनट्स इस फेस पैक को अपने फेस के ऊपर लगे रहने दूंगी। ये फुल बॉडी में आप लगा सकते हो। अपने शादी के अगर 1 महीने पहले से इस फेस पैक को अगर आप लगाना शुरू करोगे ना, आपकी रंगत दुगनी हो जाने वाली है। ये एक ऐसा फेस पैक है जो आप अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि उसकी रंगत सुधरे, उसकी रंगत निखरे, तो ये बेस्ट फेस पैक है। ये ऐसा फेस पैक है जो आपकी रंगत को दुगना करने वाला है। सिर्फ 7 दिन में आपके चेहरे से आपके डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन, इन सब में आपको 30 to 40% तक दिखेगा कि आपको फर्क दिखना शुरू हो गया है।
ये बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है। तो 20 मिनट्स तक मैं इसको अपने फेस के ऊपर रखने वाली हूँ, 20 मिनट्स के बाद मैं वॉश करूंगी। तो अभी जस्ट फेस को वॉश करके आई हूँ और आप मेरी स्किन देखिए कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है और ब्राइट लग रही है। यानी कि सिर्फ एक बार आप लगाते हो और फेस को वॉश करते हो ना, एक बार में ही आपको विजुअल रिजल्ट मिलता है। तो आप सोचो कि जब आप इसको 7 days और 10 days जब आप कंटिन्यू करोगे या फिर अपने शादी के कुछ दिन पहले से अगर इसको लगाना शुरू करोगे तो सोचो कि आपकी रंगत कितनी निखरने वाली है। तो मैं फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ और जब भी आप भी जब इस कोई भी पैक को लगाते हो तो फेस को जब आप वॉश करते हो उसके बाद आपको कोई भी जो आपका जो फेवरेट टोनर हो आपको टोनर लगाना चाहिए। उससे क्या होता है पोर्स वगैरह आपके श्रिंक हो जाते हैं। मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ लेकिन रोज़ वाटर मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी साड़ लेने जाना है, मेरे नेक पे अभी भी लगा हुआ है। तो मैं आपको बोल रही हूँ इस पैक को अगर आप वीक में 3 days लगाते हो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। फुल बॉडी वाइटनिंग है, यानी कि जैसे शादी के पहले उबटन लगाते हैं पूरे शरीर में, हल्दी का उबटन लगाते हैं जैसे कि आपकी रंगत निखरती है, सेम काम ये करने वाला है। मुझे लगता है मैं कहूँगी उससे भी कहीं ज़्यादा जो है ये इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर वाइल्ड टर्मरिक है। वाइल्ड टर्मरिक का काम होता है आपकी रंगत को दोगुना करना, आपकी स्किन को बेहद ग्लोइंग और ब्राइट और खूबसूरत बनाना। तो ये आपकी रंगत अगर आपके चेहरे में ग्लो नहीं है, अगर आपके चेहरे में चमक नहीं है तो चमक लाने वाला है। अगर आपके चेहरे में डार्क स्पॉट है, डलनेस है, एक्ने स्कार्स के दाग है, उन सबको लाइट करने वाला है, साथ ही साथ पिगमेंटेशन को लाइट करने वाला है। फुल बॉडी में आप लगा सकते हो, जैसे मैं नेक पे लगाई हूँ, फेस पे लगाई हूँ, वैसे आप लगा के रख सकते हो। जब आप साड़ लेने जाओ उस समय आप जा करके वॉश कर लो। अगर आप पूरे बॉडी पे लगाना चाहते हो तो जैसे उबटन लगाते हैं ना, थोड़ा सा इसको गाढ़ा आप घोलोगे और कैसे अपने हाथ में और पैर में बस 2 से 3 मिनट तक आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है पूरे हाथ में और पैर में, और 2 मिनट के बाद आपको साड़ ले लेना है। यानी कि 2 मिनट मसाज करना है और 2 मिनट के बाद अगर आप साड़ ले लेते हो तो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी की रंगत जो है निखर जाने वाली है, धूप की वजह से या फिर किसी भी वजह से अगर आपकी रंगत कम हो गई है तो रंगत निखरने वाला है। और सिंपल अगर आप मुझसे पूछते हो कि अगर ये ज़्यादा बन गया तो कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, आराम से इसको 5 to 6 days तक आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको टीनेजर्स लगा सकते हैं, इसको आप अपने 7 years के बच्चे को भी, मतलब अगर आपकी बच्ची या फिर बच्चा कोई भी हो, अगर 7 साल का उम्र अगर उसका हो गया है तो आराम से उसको लगा सकते हो। अगर बच्चे को लगाना है तो वीक में अगर एक बार लगाते हो तो सफिशियंट होता है, उसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ बताना रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अगर आपके कमेंट अगर जेन्युइन हुए तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।